जय हिंद स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपको अपडेट देने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो हैं बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अभी आगे क्या अपडेट है, आज जो आंदोलन हुआ उसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या सरकार ने जो हमारी मांगे थी वो मान ली हैं, मीडिया का क्या रोल रहा, क्या उन्होंने हेल्प की नहीं की। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आंदोलन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो फिजिकल एकेडमी वाले जो हमारे बाकी जो साथी थे, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं जो इसको लीड कर रहे थे, और जो सारे स्टूडेंट्स थे, उनकी यही मांग थी कि ऑफिशियल साइट के ऊपर जब हमको अपडेट मिल जाता है, कोई नोटिस मिल जाता है कि हाँ अब जो है इस डेट को आर्मी की भर्ती होगी, 2 साल की जो है उम्र में छूट दे दी जाएगी, और नेवी और एयरफोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम रुके हुए थे उनके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, और जो रिजल्ट उनके नहीं आए थे वो रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये सब जो मांगे थी, जो रैली की डेट थी कि नेक्स्ट रैली कब होने वाली है, रिटर्न एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये सब मांगे मान ली जाएंगी, तब जाके जो है ये धरना समाप्त किया जाएगा। तो ये मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं, और आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिली, जहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली कितना दूर है, उत्तराखंड तक के स्टूडेंट, उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, पंजाब के भी काफ़ी स्टूडेंट मिले, राजस्थान के भी थे, काफ़ी जगह के स्टूडेंट मिले। तो सोचो आप इतनी दूर से स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बताया कि वो काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करके आए हैं, इधर उधर से, मतलब उनको यहाँ आने के लिए भी कर्जा लेके आना पड़ा है। ऐसे भी स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे, अपने हक के लड़ाई के लिए आए थे। तो एक बार तो उन सभी स्टूडेंट्स को सैल्यूट करते हैं जो इतनी कठिन परिस्थितियों में आए, पूरा पूरा दिन पूरा रात लगा के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। और मैं यहाँ सुबह निकल गई थी दिल्ली के लिए, और 6-7 घंटे में ही इतना ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग, मतलब बहुत कड़क धूप थी, चक्कर आने लग गया था उसमें बिना कुछ खाए पिए। तो वहाँ कुछ ढूंढा कि यार नई जगह है खाने पीने का, पता नहीं कहाँ क्या खाना है। तो जैसे कुछ खाया तो ऐसे थोड़ा शरीर में रिलैक्स हुआ कि हाँ ठीक है थोड़ा। तो मैं सोच रही हूँ कि हम जब 5-7 घंटे में इतना मुश्किल हो गया, तो वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा दूर से आए थे, और क्या पता नहीं उन्होंने कहाँ क्या खाया नहीं खाया, कोई आइडिया मुझको नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट भी वहाँ मौजूद थे, और ना तो मीडिया वाले, मीडिया तो रियल में ही बिक चुकी है। मैंने मेरे पिछली वीडियो में भी कहा था कि वो बिक चुकी है, और आज उसका प्रमाण आप सबके सामने था। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बच्चे इतनी दूर से आए, इतनी कठिन परिस्थिति में आए, तपती धूप में, अगर किसी मंत्री को कह दे या किसी मीडिया वाला कह दे अपने बच्चे को वहां आप 10 मिनट के लिए खड़ा कर दो, वो 10 मिनट के लिए भी कोई मंत्री अपने बच्चे को इस धूप में खड़ा नहीं कर सकता। उस कड़कती धूप में बच्चे वहां खड़े रहे, और जो अकेडमीज वाले भी काफी जो सीनियर्स हमारे हैं वो वहाँ पे आए मौजूद थे, सभी ने सहयोग किया। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो हैं, या हमारी तरह पब्लिकेशन वाले हैं आर्मी बुक्स का, बहुत लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो और बहुत बच्चे, अलग अलग जगह के बच्चे आए हुए थे, लेकिन जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं मानी गई है। सरकार ने उस पर कुछ बोला नहीं है, सरकार के कोई नेता ने, सोचो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने बच्चे इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, पर कुछ भी बोलना तक जरूरी नहीं समझा। और मीडिया की बात करें तो मीडिया इतनी बिकी हुई है, इतनी ज्यादा बिकी हुई है कि एक बार वो पूछने तक नहीं आए वहां पे जो बड़े चैनल्स वाले हैं कि ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है, क्या आपकी मांग है, इतना सब परेशान है तो परेशानी किस लिए, सिर्फ वो पूछने के लिए भी नहीं आए। बाकी जो देश की मीडिया होती है उसका काम ये होता है कि वो सरकार तक आवाज़ पहुंचाए अगर हमको कोई परेशानी है। बच्चों का काम आंदोलन करना नहीं होता, बच्चों का काम होता है पढ़ने का, अपनी फिजिकल मेडिकल की बढ़िया तैयारी करने का, और अपनी जॉब लगने का। अब बच्चों का काम ये भी हो गया है कि वो फिजिकल मेडिकल की तैयारी तो करेंगे, फिर वो रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, इधर उधर से कर्जा लेंगे, तैयारी करेंगे, कोचिंग करेंगे या फिजिकल की तैयारी करेंगे, और उसके बाद में फिर वो आंदोलन करने के लिए भी कर्जा लेंगे, और फिर वो आंदोलन करने के लिए यहाँ आएंगे, तपती धूप में बैठेंगे बिना कुछ खाए पिए। ये सब सिस्टम बन गया है, और फिर भी सरकार कुछ नहीं बोलेगी। तो ये ही सरकार का था आज का। तो पर अभी तक जो बड़ी एकेडमीज वाले हैं, आप उनके चैनल पे अपडेट देख सकते हैं,
यही कहा था कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये आंदोलन चलता रहेगा। तो कल का समय बताया है 10 बजे का, जंतर मंतर पे ही मिलने का अभी तो। बाकी इस पे जो भी अपडेट, अगर कुछ नया होता है, कोई नया स्थल या कोई नया स्थान चूज किया जाता है, तो वो अपडेट आपको दे देंगे। मैं शाम को ही वहाँ से आ गई थी, क्योंकि कभी मैं ज़्यादा धूप में इतना निकली नहीं, और मेरा तो पहला टाइम ही था। पर बच्चों से मिलने का मेरा बहुत मन था, ऐसा था कि कुछ तो, मतलब कम से कम मैं जा तो सकती हूँ उनके लिए, उनसे बात तो कर सकती हूँ, क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वहाँ गई थी और बच्चों से मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात, हम ये सोच रहे थे कि बच्चे जो हैं छोटी उम्र के हैं, और पता नहीं कैसा जो है वहाँ पे डिसिप्लिन रहेगा, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ अशांति तो नहीं फैल जाएगी या कुछ हिंसा तो नहीं हो जाएगी। बट सभी बच्चों को बहुत सैल्यूट करना चाहिए इसके लिए, कोई भी वहाँ पे गड़बड़ नहीं हुई आज, ना कोई अहिंसा हुई, ना ही कोई अशांति फैली। बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे डिसिप्लिन के साथ जो है ये आंदोलन में जो अपने हक की बात रखनी थी वो काम बच्चों ने किया है, और बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, उनको दिल से सैल्यूट है। और जो स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं, मैं कहती हूँ आप उन बच्चों को, सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रोंग एक माध्यम है, तो आप सब अपनी ताकत दिखाइए। और सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब बहुत बहुत जगह है, ऐसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जम के शेयर कीजिए। ये जो प्रोटेस्ट है इसको आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जम के शेयर करें, अगर जो स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं। बाकी कल के दिन अगर कोई आ सकता है तो आए, और ज़्यादा तो जो फिजिकल अकेडमीज वाले हैं जो तैयारी करवाते हैं, आप उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं कि आगे और क्या रणनीति रहेगी। बाकी जितना मुझको इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो मैंने यहाँ आपको बताई दिया है। तो अभी तक का यही था कि अभी तक अपनी मांगे जो हैं वो नहीं मानी गई हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे मैं आपके साथ बनी रहूँगी और जो भी अपडेट रहेगी मैं बताती रहूँगी। और एक ज़रूरी बात और, गवर्नमेंट ने जो कल का आंदोलन हम जारी रखना चाहते थे उसके लिए जगह और परमिशन नहीं दी है अभी तक। तो क्या परमिशन मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आगे जो अपडेट रहेगी किस जगह प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे वो सुबह तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।